हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंस्टाग्राम के अंदर फ्रेंड्स जैसे ही आप किसी भी पोस्ट को देखते हैं सो वहाँ पर जिस पोस्ट पर फीड पोस्ट पर म्यूज़िक लगा रहता है तो वहाँ पर आपको म्यूज़िक अनअवेलेबल बता रहा है या फिर आपने ही कोई पोस्ट कर रखी है, कोई भी फ़ोटो पोस्ट कर रखा है वहाँ पर आप जैसे म्यूज़िक ऐड करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ही म्यूज़िक ऐड हो रहा है, ऐसे ही आप वहाँ पर भी म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं सो वहाँ पर भी म्यूज़िक नहीं चल पा रहा है और वहाँ पर म्यूज़िक अनअवेलेबल या फिर वीडियो अनअवेलेबल ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स शो हो रही है, म्यूज़िक नहीं चल पा रहा है। सो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। सो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जेके एजुकेशनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप उस चैनल को भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें एंड ग्रो करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, इसके लिए अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करनी होगी और प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद है आपको सर्च बार में इंस्टाग्राम सर्च कर लेना है। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद है फ्रेंड्स अब आपको यहाँ से इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना होगा। अगर इंस्टाग्राम अपडेट बता रहा है तो इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद है फ्रेंड्स अब आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल की सेटिंग्स मिल जाती है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है और मोबाइल के सेटिंग्स में जाने के बाद है फ्रेंड्स वहाँ पर आपको ऐप मैनेजर ऐप एप्लीकेशन नेम से जो भी ऑप्शंस मिलता है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होगी सब आपको यहाँ से शो होने लगेगी, उनमें से आपको इंस्टाग्राम पे क्लिक करना होगा और स्टोरेज पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्लियर कैच कर लेना है। क्लियर कैच करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको बैक आ जाना होगा और बैक आने के बाद अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है, अब देख लेना होगा कि आपका जो म्यूज़िक है नॉट अवेलेबल बता रहा है क्या। बट फ्रेंड्स अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो आपको अपने प्रोफाइल आइकन पे आ जाना है, थ्री लाइन पे क्लिक करके सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना होगा और फ्रेंड्स यहाँ से आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होता है आप देख सकते हैं। सो आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड में और स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्रेंड्स जहाँ पर भी आपको आपका अकाउंट अगर बिजनेस है तो आपको अपना पर्सनल अकाउंट बनाना है, अगर क्रिएटर भी अकाउंट है तो आपको अपने अकाउंट को पर्सनल कर लेना है। पर्सनल करने के बाद है फ्रेंड्स अब आपको यहाँ से स्क्रॉल करके हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, हेल्प पे क्लिक करना होगा, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। अब अगेन यहाँ पर ब्लू कलर के बॉक्स में रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दिखा रहा है, अपलोड पे क्लिक करके और आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसे यहाँ पर आपको ऐड कर लेना होगा। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड इशू लिख देना होगा, डियर इंस्टाग्राम टीम मैं इंस्टाग्राम फीड पोस्ट म्यूज़िक नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम, या फिर आपको लिख देना है अनअवेलेबल प्रॉब्लम, सो प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल थैंक यू। इतना लिखने के बाद आपको पर योर सेंड पे क्लिक करना होगा। एज़ यू विश आप जो चाहे वो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी से आप जो चाहे वो बना के इंग्लिश में लिख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा बेस्ट होगा। लिखने के बाद आपको फ्रेंड्स सेंड पे क्लिक करना होगा, जैसे फीड सेंड हो जाएगा वो इंस्टाग्राम टीम के पास चला जाएगा और वो कुछ ही टाइम में आपकी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे और जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी फीड पोस्ट पर म्यूज़िक अनअवेलेबल्स की वो प्रॉब्लम 101% फिक्स हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।